हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि हमेशा की तरह बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज फिर से मैं आपके लिए ला चुकी हूँ बहुत ही धमाकेदार किचन टिप्स एंड ट्रिक। इसके लिए वीडियो को देखिएगा एंड तक। वीडियो पसंद आती है तो फैमिली में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट आज की टिप्स को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला टिप्स है वो है इस तरीके का राशन को लेकर के। जब कभी भी हम लोग इस तरीके से पोलोथीन में राशन रखते हैं, चाहे वो दाल हो या चीनी हो, तो उसके साथ मैंने यहाँ पर और जो कोल्ड ड्रिंक का बॉटल होता है या दवाई का बॉटल हो, कोई भी बॉटल हो, उसका इस्तेमाल किया है। क्यों किया है, किस लिए किया है, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो ये करना क्या है आपको कि ये ऊपर वाला हिस्सा जो है किसी भी नाइफ को अच्छे से गर्म करके काट करके हटा देना है। देखिए यहाँ पर मैंने पहले से ही कट करके रखा था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि पोलोथीन को इस तरीके से इसमें डालना है और डालने के बाद अच्छे से सेट कर देना है, ठीक है। तो जब आप इसे सेट करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा सा कंटेनर जो है वो बनकर रेडी हो जाएगा। अब आपके राशन में जो है ना दाल हो या चीनी हो, उसमें हवा नहीं लगेगी और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, लंबे समय तक फ्रेश रहेगा। और आप इसे वापस से खोल करके इस कैप को यूज़ में भी ला सकते हैं। तो चलिए आपको दिखा देते हैं कि कितना आसान है इसे वापस से यूज़ भी करना। तो इस तरीके से जितने भी राशन आपके बच जाते हैं डब्बे में डालने के बाद में, तो इस तरीके से आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल का ऊपर वाला हिस्सा कट कीजिए और कट करने के बाद इस तरीके से पोलोथीन को ही आप अपना एक अच्छा सा एयर टाइट जो है ना जार बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये टिप्स पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं हमारी अगली धमाकेदार टिप्स क्या है। यहाँ पर मैंने एक साबुन का जो होता है ना डब्बा वो ले लिया है और इसमें इस तरीके से सुई से बहुत सारा जो है ना होल बना दिया है। फटाफट से इसे हम छेद कर देना है। इससे क्या होगा और इसके क्या फ़ायदे हैं, तो इसके लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने ले ली है 2 कपूर की गोलियाँ, ये भी हम सभी के घर में होती है। तो डिब्बे को छेद करने के बाद आपको इस कपूर की गोली को इसमें डाल देना है, अच्छे से इसको अच्छे से पैक कर देना है। यहाँ पर आपको किसी भी तरह का कोई भी टेप हो आपके पास में, सेलो टेप हो या डबल टेप हो, कोई भी टेप हो, इस तरीके से ऊपर से मैंने इसे लगा दिया है। लगाने के बाद में अब ये अच्छे से हमारा सील पैक हो चुका है, अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब यहाँ पर मैं इसके साइड में भी एक डबल टेप का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि हमें जहाँ पर लगाना है इसे ये अच्छे से सेट हो सके और ये गिरे नहीं। तो चलिए चलते हैं हम अपने बाथरूम की तरफ। तो इस कपूर की गोली को आपको रखना है अपने बाथरूम में। अब क्या होगा कि आपके बाथरूम में ना कीड़े मकौड़े नहीं आएंगे, खुशबू बनी रहेगी लंबे समय तक और इसमें आपका कोई भी खर्च नहीं है और ये काफ़ी लंबे समय तक चलता भी है। लगभग 2 गोली अगर आप इसमें डाले हैं तो ये महीने डेढ़ महीने की फुर्सत है और आपका बाथरूम जो है बहुत ही खुशबूदार बना रहेगा और हर तरह के कीड़े मकोड़े से भी सेफ रहेगा। चलिए देख लेते हैं हमारी अगली धमाकेदार टिप्स क्या है। जब कभी भी इस तरीके का सिरप जो है ओपन हो जाता है और हमें इसे कहीं भी लेकर के जाना होता है, तो इसके लिए आपको करना क्या है कि जब कभी भी आप इसे पर्स में रखें तो पर्स में रखने से पहले आपको इसमें जो बलून होता है ना इस तरीके से, तो बच्चों का जो बलून होता है, तो बस उसी को आपको सिरप के कैप के ऊपर पहनाना है, ठीक है। इससे क्या होगा, तो इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो यहाँ पर मैंने देखिए कैंचिस की हेल्प से इस तरीके से इसे काट लिया है। काटने के बाद कैप के ऊपर से बलून को अच्छे से सेट कर देना है, ये आसानी से सेट हो जाता है इसमें। अब क्या है ना कि अगर आपको कहीं भी जाना हो, जितनी भी दूर जाना हो, 2 घंटे 4 घंटे का ट्रैवल करना हो, पर्स में रखिए इसे, बिल्कुल भी ये आपका लीक नहीं करेगा। देखिए जब कभी भी आपकी जली हुई कढ़ाई जो है वो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है और कुछ कुकिंग किया आपने और वो जल गई है, तो उसे साफ़ करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको इसे फिर से गैस में चढ़ा देना है, थोड़ा सा पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद कोई भी सर्फ हो आपके घर में जो आप यूज़ करते हैं, बस वही सर्फ 1 चम्मच के करीब यहाँ पर डाल देना है। डालने के बाद में इसमें आपको 1 चम्मच जो है बेकिंग पाउडर डाल देना है, ठीक है। तो इससे आपकी जो जली हुई कढ़ाई है, जो बहुत ज़्यादा आपको मेहनत लगने वाला था साफ़ करने के लिए, तो वो नहीं लगेगा। और थोड़ा सा बस इसमें आपको विनेगर का इस्तेमाल करना है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, गैस का फ्लेम भी यहाँ पर मैंने फुल रखा है और इसमें मैंने 1 चम्मच विनेगर डाला है, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डाला है और थोड़ा सा सर्फ डाला है, ठीक है। तो बस इसमें एक उबाल आने का इंतज़ार करना है। जब ये उबाल अच्छे से आ जाएगा तब आप देखेंगे कि बिना हाथ लगाए ये कढ़ाई आपकी बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाएगी। साथ ही साथ दुनिया के कौन से कोने से आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में अपना नाम शहर का नाम ज़रूर डालिएगा ताकि मुझे भी पता चल सके कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक चल रही है और लोग इसे कहाँ से देख रहे हैं और मैं भी आपको थैंक यू बोल सकूं। साथ ही साथ चैनल में नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई को हाथ भी नहीं लगाया है और इस तरीके से किसी भी चम्मच से आपको अच्छे से इसे रगड़ लेना है, तो बिना हाथ लगाए ही आपकी कढ़ाई जो है वो एकदम साफ़ हो जाएगी। जितनी भी जली हुई कढ़ाई हो उसे साफ़ करने का सबसे बेहतर और सिंपल आसान तरीका यही है
तो जो प्रोसेस मैंने इसे दिखाया है उसी तरीके से आप भी इस्तेमाल कीजिए और मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपको मेरी ये टिप्स कैसी लगी। तो बस इसे यहाँ पर मैंने हल्के हाथों से रब कर दिया है ताकि कढ़ाई में जितनी भी जो होती है ना कुकिंग वगैरह जो करते हैं हम लोग जल जाती है वो चिपक गई है तो वो अच्छे से निकल सके। तो आई होप कि आपको ये टिप्स भी पसंद आई होगी। सुई में धागा जब कभी भी डालना हो तो ये बड़ा ही सरदर्द वाला काम होता है, खास करके उनके लिए जिनकी आँखें कमज़ोर हैं। आज के डेट में तो बड़े हो या बच्चे हो कुछ ना कुछ आँखों में सबके लगा ही हुआ है। तो यहाँ पर नेल कटर की मदद से आप सुई में धागा जो है वो आसानी से डाल सकते हैं। कैसे? तो इसके लिए आपको ले लेना है इस तरीके का जो झाड़ू होता है जो घर में हम लोग लगाते हैं, तो झाड़ू का जो एक बाल है ना वो मैंने यू शेप में इस तरीके से इसमें सेट कर दिया है नेल कटर के ऊपर, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से यू शेप में झाड़ू के बाल को इस तरीके से पहले बनाना है। बनाने के बाद में यहाँ पर आपको किसी भी टेप से अच्छे से चिपका देना है। तो कौन सा झाड़ू आपको लेना है? ये वाला झाड़ू, इस तरीके का झाड़ू जो होता है वो भी हम सभी के घर में होता है। तो बस इसी का एक बाल का इस्तेमाल मैंने किया है, तो बस यही झाड़ू का आपको इस्तेमाल करना है और इसे यू शेप में बना लेना है इस तरीके से नेल कटर के ऊपर। और यहाँ पर मैंने टेप का इस्तेमाल किया है, ठीक है, तो कोई भी टेप हो आपके घर में इस तरीके से आप इसमें चिपका दीजिए, ये अच्छे से सेट हो जाएगा। और सेट होने के बाद में इसका इस्तेमाल आप कैसे करेंगे तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने सुई ले ली है और सुई को इस तरीके से सुई के छेद में ना आपको झाड़ू के बाल को इस तरीके से डालना है। ये काफ़ी हार्ड होता है इसलिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है इसके अंदर जाने में और ये फ़ौरन ही अच्छे से चला जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये बहुत ही आसानी से इसमें जा चुका है। अब धागा इसमें आपको किस तरीके से डालना है, तो ये जो झाड़ू का जो बाल है ना इसमें आपको थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेना है, ये इजली जो है छेद जो है बड़ा हो सकता है। तो इस तरीके से मैंने ऊपर से प्रेस किया तो ये छेद जो है वो बड़ा हो गया। अब धागे को आपको पहले बाल में डालना है इस तरीके से। तो देखिएगा ध्यान से, बिल्कुल सिंपल है, आसान है और इस तरीके से आप आसानी से सुई में धागा पहना सकते हैं, बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा और ज़्यादा आँखों में जोर भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको धागे को बाल में पहले डालना है। तो यहाँ पर मैं आपको डाल के भी दिखा रही हूँ कितनी आसानी से ये चला चुका है। ठीक है, अब ये धागे को हम हल्का सा पकड़ के इस तरफ से हम लोग खींचेंगे तो अब इससे क्या होगा कि जो सुई जो है वो धागे में आ जाएगी आसानी से। ये देखिए इस तरीके से ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, जिस किसी के भी आँखों में प्रॉब्लम हो वो इस तरीके से सुई में धागा जो है आसानी से डाल सकता है। तो देखा आपने कितनी आसानी से ये बनकर रेडी हो चुका है और सुई में धागा जो है वो चला गया है। तो इस तरीके से नेल कटर में आप किसी भी झाड़ू के बाल को लगा करके आप सेट करके रख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये टिप्स भी पसंद आई होगी। तो फिर मिलूंगी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, टेक गुड केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।